अर्जी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तुम्हारी जिंदगी और इज्जत मरते दम तक मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है गोगचे, इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। शहजादा यकीत कबीले वापस आ रहे हैं। कैसे जानते हो तुम ये? हलीमा सुल्तान दोनों बच्चों के लिए खैमे तैयार करवा रही थी अमीर हजरत। नोयान वहशी आदमी है, लेकिन वो तुम्हारी तरह चालाक नहीं है। मुझे तुम्हारी होशियारी पे मुकम्मल एतमाद है। शहजादा यकीत, उसकी रगों में शाही खून है, उसे जिंदा रखना है तुम्हें। अगर अर्तुरुल भाई की भी यही मर्जी है तो मुझे भी इन दोनों के आपस में निकाह करने और घर बसाने की बहुत खुशी होगी। मुझे माफ कर दें बाबा, माफ कर दें, मगर मुझे ये करना होगा। नोयान, तुमने मुझे मेरे आबाई वतन की याद दिला दी खातून। तुम्हारे आंसू सहराए गोभी में होने वाली बारिश की तरह नमकीन है। जानती हो, जब सूरज सहरा को झुलसाने लगता है तो पता है मैं क्या करता हूं उस वक्त? मैं सुकून तलाश करता हूं चट्टानों पे जमी बर्फ की ठंडक में। मुझसे क्या चाहते हो तुम नयान? कल जब मैं शहजादे का मामला निपटा लूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा मैं तुम्हें। इंतजार करना मेरा। Ah!
बहुत याद किया ये गीत को मैंने। पहली बार वो मुझसे इतने अरसे के लिए दूर रहा है और अब जबकि वो आने वाला है तो मुझसे जरा इंतजार नहीं हो रहा। इंशाल्लाह जल्द बहिफाजत यहां आ जाएंगे। इंशाल्लाह अर्दुरुल। लेकिन जब तक ये गीत उर्दुंदार आ नहीं जाते मुझे सब्र नहीं आएगा, क्योंकि शहजादा होने के बावजूद ये गीत को अब तक सुकून नसीब नहीं हुआ। हमने बेइंतहा मुश्किलात का सामना किया है। मुझे ये डर रहता है कि उसे कुछ हो ना जाए। शुक्रिया। तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। हाय मभूफी, कबीले के मुस्तकबिल के हवाले से आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हैं। अगर मुनासिब हो तो मैं ये चाहूंगा कि बड़े होने के नाते वो इस जिरगे की कयादत करें। बहुत शुक्रिया तूतकिन साहब। हम्द व सना है उस जात के लिए, हम सबको जिसने ईमान के साथ खल्क किया। अल्लाह हम सबको अदल व इंसाफ पे कायम रखे। बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरे कबीले के मोअज़्ज़ज़ीन और मोहतरम बुजुर्गो, खुश आमदीद। तशरीफ आवरी का शुक्रिया। हर कबीले में मसाइल आते रहते हैं, फिर उनका हल निकाला जाता है। इसलिए सबसे पहले सिपाहियों के सालार गुंदोगदू साहब कुछ कहना चाहते हैं। ये हम सबको कुछ बताना चाहते हैं। कहिए गुंदोगदू साहब। अगर अल्लाह की मर्जी शामिल रही तो इस जिरगे के बाद हायमा खानम और मैं आर्तुक भाई की दी गई तजवीज के मुताबिक मौलिक से मिलने अर्ज़ रूम जाएंगे। मेरे जख्म की कैफियत अभी तक मुबहम है। मेरी यह बीमारी मेरे कबीले के लिए, मेरे सिपाहियों के लिए कमजोरी का बाइस बनेगी। इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि मैं सिपाह सालार के ओहदे से दस्तबरदार होता हूं। ये क्या कह रहे हैं? बीमारी का सुनकर हमें गहरा दुख पहुंचा है गुंदोगदू भाई। शुक्रिया मेरे भाई, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो हम कबीले की हिफाजत के लिए आप लोगों की मशावरत से नया सिपासलार मुंतखब करना चाहते हैं। खासकर जब अमीर सादतीन और नौयान हमारे कबाइल का सुकून तबाह करने के दर पे हैं। बिल्कुल सही कहा। हम सब मुत्तफिक हैं इनकी बात से। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हाँ। मैं सिपा सालार के तौर पर अर्तुरुल भाई का नाम तजवीज करता हूं।
अगर उन्हें कोई एतराज ना हो तो। ये फैसला अच्छा है, हम सब भी यही चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है ये। दुरुस्त है, दुरुस्त है। अर्तुरुल साहब का इंतखाब बहुत मुनासिब है, सिपाहियों का सालार अर्तुरुल साहब को ही होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त, सिपाहियों का सालार अर्तुरुल साहब को ही होना चाहिए। बिल्कुल सही फैसला है ये। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इस अहम जिम्मेदारी के लिए एतमाद पर आप सबका शुक्रगुजार हूं, लेकिन इस जिम्मेदारी को उठाने से पहले कुछ और मामलात भी हैं जिनका तय पा जाना जरूरी है। अर्तुरुल साहब के पास इस मनसब से ज्यादा अहम जिम्मेदारियां हैं जिसके बारे में हमें यकीन है कि वो वक्त आने पर हमें आगाह करेंगे। तो फिर मैं अपनी जानिब से उम्मीदवार नामजद करता हूं और वो है सुंगुर तकिन। अर्तुरुल साहब के मुकाबले में सुंगुर तकिन साहब, भाई ये फैसला तो बहुत अच्छा है। हम इस बात से मुत्तफिक हैं। सुंगुर तकिन साहब, आप कहना चाहते हैं कुछ? अगर तमाम मुअज्जिज़ीन राजी हैं तो ये जिम्मेदारी मेरे लिए बाइस शरफ होगी। किसी को कुछ कहना है इस बारे में? सुंगुर तकिन साहब इस मनसब के लिए बहुत मुनासिब हैं। सुंगुर तकिन साहब का इस मनसब को संभालना कबीले की मजबूती का बाइस बनेगा। दुरुस्त है, सुंगुर तकिन साहब को हम सिपाहियों के सालार के तौर पर कबूल करते हैं। तू तकिन साहब, सुंगुर तकिन भाई का सिपा सालार बन जाना हमारे लिए बाइस फख्र होगा। बहुत शुक्रिया। सुंगुर तकिन साहब, आपको ये जिम्मेदारी मुबारक हो। शुक्रिया वालिदा। मुबारक हो मेरे भाई। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आखिरी सांस तक सिपाहियों की रहनुमाई करूंगा। बहुत मुबारक हो आपको सरदार। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो आपको सुंगुर तकिन सरदार। मुबारक हो, खुश रहे, खुश रहे। बहुत मुबारक हो आपको। वक्त आ गया ओलुबिल जी। अर्तुरुल, उसकी बीवी, उसका नामौलूद बच्चा, मेरे जाल में आहिस्ता आहिस्ता फंसते चले जाएंगे वो सब। सुलेमान शाह के खानदान का कोई भी फर्द मेरी तलवार की काट से नहीं बच पाएगा। और कुपेक, समझने दो उसे कि वो हम पे काबू पा चुका है। उसका गुरूर खात्मे मिल जाएगा जब मैं उससे इंतकाम लूंगा और उसका सर कलम कर दूंगा। कोई भी शख्स नौयान से गद्दारी करके जिंदा नहीं रह सकता। वक्त आने पर कोपेक को भी तांगुत के पास भेज दूंगा। उसकी रूह बदरू बनकर तड़पती रहेगी हमेशा। अरेले खान के अजाब का मजा वो नामुराद जरूर चखेगा। आज रात अजीमुशान दावत का एहतमाम करो। एक खूबसूरत शख्सियत मेहमान होगी मेरे पकड़े गए कैदियों के साथ। जैसा आपको हुकुम। जंग की हमने जिस जमीन पर हमने लोगों का खून बहाया वो हमारा मुल्क होगा। चंगेज खान के नक्श कदम पर चलने वाले मेरे लश्कर के बहादुरों, इंतकाम का वक्त है। इंतकाम लेंगे हम। इंतकाम लेंगे, खून के लिए नौयान पे हमारी जान कुर्बान। इंतकाम जरूर लेंगे। इंतकाम लेंगे, खून के लिए नौयान पे हमारी जान कुर्बान। इंतकाम जरूर लेंगे। इंतकाम लेंगे, खून के लिए नौयान पे हमारी जान कुर्बान। उन तमाम मुश्किलात में जो आज तक हमारे सामने आई हैं, मैंने देखा है साथ चलने में हमारी भलाई है। इस इत्तेहाद ने हमें मंगोलों के और अपने दरमियान मौजूद तमाम गद्दारों के खिलाफ बहुत मजबूत बना दिया है।
तुतकिन सरदार दुरुस्त कह रहे हैं। काई और दुदुर्गा के लोग किस्मत से मिले हैं। दोस्त और दुश्मन सबको समझ में आ गई है ये बात। हम पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। दुरुस्त कहा अपने सरदार। वक्त आ गया है कि हम हिजरत के बारे में अपनी हिकमत अमली वाजे करें। मेरे नजदीक सबसे मुनासिब जगह अहलत है। अहलत के पहाड़ वसी और जरखेज हैं, जो हमारे मवेशियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। सुल्तान के फतह करदा इलाकों से अहलत में रहकर तिजारत भी आसान हो जाएगी हमारे लिए। सही बात है, बिल्कुल सही। सरदार ने सही कहा, सही होना चाहिए। अहलत वो तिजारती रास्तों के ऐन बीच में वाक़ है। मैं हिमायत करता हूँ उसकी। अल्लाह की रजा से हम चलने के लिए तैयार हैं सरदार। वो रास्ता महफूज भी है और हमवार भी। हम वहाँ जल्द पहुँच कर खैमे लगा लेते हैं। बुजुर्ग और बच्चे बाद में आ जाएंगे। किसी को भी सफर में जहमत उठानी नहीं पड़ेगी। क्या किसी को कुछ और कहना है? आपकी इजाजत से मैं कुछ कहना चाहता हूँ वालिदा। इजाजत है अर्तुरुल साहब, बिल्कुल कहिए। ओस के बहादुर लोगों, दोनों कबाइल का तकदीर के हाथों एक हो जाना काबिले रश्क है। मैं फितनों से वाकिफ हूं। दुश्मनों से और गद्दारों से मुझे लड़ते लड़ते जंग के दौरान एक बात मालूम हुई कि हिजरत अपने रेवड़ों के लिए नहीं, बल्कि तकदीर के लिखे मुकद्दस रास्तों पर आजम सफर होने का नाम है। ये मुकद्दस रास्ता क्या है सरदार? क्या रेवड़ों के लिए हिजरत नहीं करते हम? अर्तुरुल साहब, हमें बताइए आखिर क्या कहना चाहते हैं आप? ये मुकद्दस रास्ता जिहाद है हम लोगों के लिए। और जो लोग इस जिंदगी में रहकर आखिरत को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनका है ये रास्ता। अगर हम अपने रेवड़ों के पीछे चलते रहे तो ना अवोज की रिवायत बाकी रहेंगी, ना सिपाही और ना ही सुकून। हवा का तेज झोंका हिला देगा हमारी बुनियादों को और हम अपनी पहचान खो देंगे। आपके अल्फाज तमाम बहादुर जंगजुओं के लिए मशले राह है अर्तुरुल भाई, लेकिन आपका दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत करने वाले उन मंगोलों के खिलाफ जिहाद की तरगीब देना क्या एक ऐसे रास्ते पर चलने के मुतरादिफ नहीं जिसकी कोई मंजिल नहीं? ये जंग और ये जिहाद मंगोलों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सरजमीन में है जहां सूरज डूबता है। सरहद से मुल्हिक बाज़ंतीन में है। ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत ही अजीब बात। अरे नहीं भैया, बहुत मुश्किल बात है। बाज़ंतीन की सरजमीन इतनी मुश्किल से तो हमारे जख्म भरे। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। क्या हम दोबारा से जंग की तरफ जा रहे हैं? तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे नहीं भैया, तो बहुत मुश्किल बात है। अमीर सादतीन को पैक तशरीफ ला रहे हैं। जी आ जाइए। कल रात नोयान आया था। बिल्कुल जानती हूं मैं, क्योंकि मुझसे मिलने के लिए भी आया था। कह रहा था कि शहजादे का मामला निपटाने के बाद मुझे ले जाएगा यहां से। तो फिर जाओगी उसके साथ? मैं अपनी मंजिल का जायजा लेने जाऊंगी। शहजादे और दुनदार की किस्मत का फैसला होते देखूंगी। बहुत आला। लेकिन मोहतात रहना, नोयान को हरगिज शक ना हो कि तुम मेरे ताबे हो, वरना तुम्हारे आंसुओं की परवाह किए बगैर वो तुम्हारी खूबसूरत आंखें नोच डालेगा। आप परेशान मत होइए अमीर सादतीन, सब जानती हूं मैं। बहुत आला, बहुत आला। जी आप क्या कह रहे हैं अर्तुरुल साहब?
क्या आप चाहते हैं कि हम अपने कबीले के लोगों को दोबारा नई मुश्किलात के दरमियान खड़ा कर दें? अगर कोई मुझसे पूछे कि वो कौन शख्स है जिस पर हम अपने कबीले और इज्जत के लिए मुकम्मल तौर पर एतमाद कर सकते हैं, तो मैं बिला हिचकिचाहट आपकी तरफ इशारा करूंगा अर्तुरुल भाई। बहुत शुक्रिया तूतकिन साहब, लेकिन मैं सिर्फ अपने खेमे का जिम्मेदार नहीं हूं। जैसा कि गुंदोगदु भाई ने भी कहा, मुझे एक नामालूम मुहिम जोई के लिए कबाइल की रहनुमाई करना सही नहीं लग रहा। अर्तुरुल साहब ने हिजरत के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता बताया है। मैं इस मामले पर दोनों कबाइल के सरदारान से मशवरा करना चाहूंगी। हाइमा खानम, आखिर इस बात पर मशवरा करने की क्यों जरूरत पेश आ रही है? मैं समझने से कासिर हूं। हमारे लोग आलत हिजरत करना चाहते हैं और ये बात बिल्कुल आया और वाज़े है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छी बात है, सही बात है। हम मानते हैं ये बात। हमें कोई हाँ, बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं। गुंदोगदु साहब, जिरका मशावरत की जगह है। हर सरदार को अपनी बात कहने का हक है। दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन क्या हम सिर्फ अर्तुरुल साहब की ख्वाहिश पर बाज़ंतीन हिजरत करके मुश्किलात को दावत देना चाहते हैं? पूछिए जरा इन सरदारान से, इतनी मुश्किलात के बाद इनमें से कौन सरदार इस सफर के लिए राजी होगा? गुंदोगदु भाई, नौयान के फितने और सादतिन कोपैक की शोरिश अभी खत्म नहीं हुई है। हम अपने कबीले की तकदीर किसी सुहाने ख्वाब पर कुर्बान नहीं कर सकते। अर्तुरुल साहब, अल्लाह जानता है कि आपकी नियत और इरादे नेक हैं, लेकिन जरा इन सरदारान से भी पूछिए कि इनमें से कौन सलीबियों और बाज़ंतीनियों से जंग करने पर आमादा है। अगर मुशावरत से यह मसला हल किया जाए तो बेहतर होगा। बहैसियत सिपाह सालार मैं भी मुशावरत का हामी हूं गुंदोगदु साहब। अर्तुरुल साहब की पेशकश पर अगर आप मुशावरत के हामी हैं तो अपने हाथ बुलंद करें। नहीं भाई, हमें तो कबूल नहीं है। मैं भी कबूल नहीं करता इस बात को। इस नतीजे पर कुछ कहेंगे अर्तुरुल साहब? जरूर कहूंगा वालिदा। तो फिर कहिए। आप सब जान लें, न सिर्फ हमारी तकदीर बल्कि ओस कबाइल का मुकद्दर भी बदल जाएगा इस सरजमीन पर। जहां सूरज गुरूब होता है, वहां हमारी किस्मत का सूरज तुलू होगा। वो सरजमीन जो हमें तहफ्फुज़ देगी मजमूम मकासिद और गैर फाल हुक्मरानों से, जहां हमारे लोग अपनी जड़ें मजबूत कर सकेंगे, वो बाज़ंतीन की सरहद है। वहां कयाम, जिहाद और फुतुहात से ही हम मजबूत और मुत्तहिद होंगे। और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। मैं हिजरत कर जाऊं यहां से, वो वक्त आ गया है। जिन्हें मुझ पर यकीन है, जो दिलों में ईमान रखते हुए इस सफर में मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं, वो बखुशी मेरे साथ आ सकते हैं। अल्लाह हमारी रफ्तार को तेज करे। मुझे इजाजत दीजिए। देखा सरदार, सरदार से बात कैसे में जा रहे हैं? हम क्या करें? मैं बोलने का कोई हक नहीं होगा। तुम्हें यहां पर फैसला करना है। आप देखते हैं कि क्या फैसला सब बन करो। आ! आ!
अर्तुरुल भाई को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा मैंने। दुर्गुद भाई, क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, उनके पीछे चलते हैं। अगर वो कहेंगे तो वापस आ जाएंगे। चलो आ जाओ भाइयों। वालिदा की, अपने भाइयों की बहुत याद आई मुझे ये गीत। मैं अपनी बाजी से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। और मैं सुंगुर तकिन भाई से मिलने के लिए। तुमने उन्हें देखा है नहीं ना? मैं बहुत छोटा था जब वो चले गए, उन्हें पहचानूंगा कैसे? हम बस करीब ही हैं दुदार भाई, आप अपने भाई से जल्द मिल लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह। नोयान को खबर करो, वो दोनों मिल गए हैं। सुंगुर मेरे भाई, अर्तुरुल को संभालो सरा। तुम पर वाजह है कबीले की सूरत हाल, हम इस वक्त किसी नए बहस पर जाने के मुतामिल नहीं हो सकते। हलीमा, सलजान, मेरी गैर मौजूदगी में यिगत और दुंदार का बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। इंशाल्लाह वालिदा, आप बेफिक्र होकर जाइए, उनका ख्याल रखेंगे हम। परेशान ना हो वालिदा, कुंदोगदू साहब जल्द शिफायाब हो जाएंगे। गुपचे बेटी, काफी दिनों से तुम अफसरदा हो, क्या कुछ ऐसा है जो हमारे इल्म में नहीं है बेटा? नहीं हायमा खानम, कोई ऐसी बात नहीं। खैरियत से जाएं आप। अल्लाह की अमान में रहो। अल्लाह सेहत दे आपको। अल्लाह हिफाजत करे तुम्हारी। सफर बखैर आफियत हो वालिदा। वालिदा, फी अमान अल्लाह। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। शुक्रिया बेटा। अल्लाह आपको जल्द शिफायाब करे साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
खुशामदीद सलजान खातून। बहुत शुक्रिया जनाब। गुंदोग्ध भाई रवाना हो गए? जी हो गए। अल्लाह हिफाजत करे। शुक्रिया। और वो सेहतयाब होकर लौटे? इंशाल्लाह भाई। जी कहिए, किसी काम से आई थी? गोगचे के बारे में बात करनी है। बहुत दिनों से काफी अफसरदा है वो। उसकी हंसी तो जैसे कहीं खो सी गई है। ना खाती है ना कुछ पीती है। वो आपकी बीवी है। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकती भाई। सलजान खातून, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आपकी रहमदिली, आपका हौसला और आपकी ईमानदारी, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन ये मामला मेरे और गोगचे के दरमियान है। आप दोनों के दरमियान ऐसा क्या मामला है भाई? जब मैं गोगचे खातून की तरफ देखती हूँ तो लगता है सिर्फ आपके लिए जीती है और कभी भी आपके लिए अपनी जान तक देने से दरेग नहीं करेगी। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? बराए मेहरबानी मुझे मजबूर ना करें। आपका भी दिल दुखेगा। और मेरी बहन का जो दिल दुखाया, उस बारे में क्या कहेंगे? सलजान खातून, अगर आप मेरा दिल तोड़ भी देंगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन गोगचे का दिल टूटेगा तो अफसोस होगा। मैं जानती हूँ अगर आपको उससे मोहब्बत ना होती तो अपनी औताक में जगह ना देते। खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं थी आपके लिए। ऐसा मत कीजिए। कब तक इस तरह एक दूसरे से जुदा रहकर खुद को सजा देते रहेंगे आप दोनों? रहम खाइए मेरी बहन पर। उसने झूठ बोला मुझसे, उसने बेधड़क झूठ बोला मुझसे, हालांकि वो अर्तुरुल को चाहती थी। यही सुनना चाहती थी ना आप? हाँ, बस यही मसला है भाई। मासूम बचपन की मासूमाना ख्वाहिशात को समझ ही नहीं सके आप। मासूमाना? आप इसे मासूमाना कहती हैं? गोगचे ने मुझे खुद बताया सलजान खातून। उसने कहा जब अर्तुरुल का निकाह हलीमा सुल्तान से हुआ तो उसने अपने होंठ सी लिए, लेकिन वो उसे भुलाने में कामयाब नहीं हुई। हलीमा सुल्तान का अर्तुरुल की बीवी बन जाने पर उसने अपने जख्मों को लोहे से दाग दिया। उसने कहा मुझे फिर भी सब्र नहीं आया और अर्तुरुल को नहीं भुला सकती मैं। उसने ये नहीं बताया कि बाद में क्या हुआ, जब अल्लाह ने आपको उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया? हर बात उसकी समझ में आती चली गई। अर्तुरुल की मोहब्बत की धुन हकीकत नहीं थी। हकीकी प्यार का अंदाजा तो उसे उस वक्त हुआ जब उसने आपकी आंखों में झांका। तो तक इंसाब वो आपकी बातों में खोती चली गई। जब आपने उससे शादी की, उसकी खुशी, उसका सुकून आपको नजर नहीं आया क्या? और जब वो खंजर उसे लगा, हाँ, इस पर क्या कहेंगी कि वो मुझे औलाद नहीं दे सकती? ये बात उसने जानबूझकर छुपाई थी। कैसे मैं एक ऐसी खातून के साथ रह सकता हूं जो मुझसे सच छुपाती हो? सलजान खातून, अल्लाह के कामों में दखल देने वाले आप कौन होते हैं? दूतक इंसाब, अपने कितने ही बच्चे पैदा होने से पहले खोती, शीरे मादर पीने से पहले ही गुंदोगदू ने उन्हें दफना दिया। रब ने एक बार फिर औलाद की नेमत से नवाजा है। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, उसे आगोश में लूं मैं अपनी, उसे फलता फूलता देखूं अपनी आंखों के सामने। भाई, मासी तो हमेशा मासी होता है। अल्लाह ने आपकी तकदीर में गोगचे के लिए आपका प्यार मुकद्दर किया है। ऐसा ना कीजिए आप। जिन्हें आप चाहते हैं और जो आपको चाहते हैं उन्हें असीयत में ना रखिए भाई। इस खैमे के मसले यहीं तक महदूद रहने दीजिए सलजान खातून, यही मेरी ख्वाहिश है। आप जा सकती हैं,
हमें अपना दुख खुद झेलना है। तैयारी हो गई? जी भाई, कुछ देर में सारे सिपाही तैयार हो जाएंगे। तो फिर हम कब तक निकलेंगे? जब आप हुक्म करें। ठीक है। तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, बस हमें रवाना होना है। तो फिर इंतजार किस बात का? भाई और युदित भाई को अकेला मत छोड़ना। कबीले जाके खबर दो फौरन, जल्दी। तुम्हारे तन से जुदा करके बहुत खुशी होगी मुझे। क्यों नहीं आखिर? उनसे लड़ते क्यों नहीं? ये मुमकिन नहीं है भाई, वो बहुत ज्यादा तादाद में है, हम नहीं लड़ सकते उनसे। आपको बाहिफाजत पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आप जाइए, हम संभाल लेंगे। चलो जल्दी करो, भागो ये की। से नहीं लड़ सकते तुम, हथियार डाल दो। हमें इनसे लड़ना होगा ये गिद्ध,
हथियार डाले तो मारे जाएंगे। हथियार डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता दुंदार भाई। हथियार डाल दो, नौयान का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे बहादुर जवान, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? अर्तुरुल भाई, मदद करें, दुंदार और जगीत की जिंदगी खतरे में है। वो नीचे ढलान की तरफ है। किसने हमला किया? ओ, नो नोया, तलवारें फेंक दो अपनी। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, वैसे भी बच्चों से दुश्मनी रखने का कोई फायदा नहीं। मेरी दुश्मनी तो अर्तुरुल से है। तलवारें फेंक दो अपनी। ले जाओ इन्हें। नयान, आला नौयान, जब तुम्हारी खाल उतारेगा तो मैं तमाशा देखूंगा तुम्हारा। सुलेमान शाह के बेटे दुंदार, बांध दो इन्हें। नौयान, नौयान दुंदार और जगत को अपने साथ ले गया। क्या? हमें देर हो गई। तुम मुझसे दुंदार को कैसे मांग सकते हो? तुम्हारे लिए शहजादा ले आया हूं मैं। दुंदार मेरा है, ये उसकी आखिरी रात है। कल कबीले उसकी लाश जाएगी।